वसुंधरा राज में हुए घोटालों का पर्दाफाश। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। मैं हूं आपके साथ विनीता। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान के चुनावों में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित रहा, लेकिन अब यही किसानों की योजना चर्चाओं में है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार में ऋण माफी योजना में जांच के बाद बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वसुंधरा राज में ऋण माफी योजना में 125 करोड़ घोटाला हुआ, जिसमें 50,000 फर्जी किसानों ने आवेदन किया। हालांकि सहकारिता विभाग की सजगता के चलते फर्जी किसान को ऋण नहीं बट पाया। ऋण माफी योजना में हुए घोटाले की जांच में बड़े ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। डूंगरपुर, चूरू समेत राजस्थान के कई जिलों में हुए घोटालों की रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 50,000 फर्जी किसान ने आवेदन किया। आवेदन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते पास भी हो पाए थे, लेकिन जब कई जिलों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए तो सरकार ने पूरे प्रदेश में ग्राम सहकारी समितियों में जांच के आदेश दिए। जांच के बाद में अब ये खुलासा हुआ है कि यदि फर्जी किसानों को ऋण बढ़ता तो 125 करोड़ का फटका सरकार को लगता। अब सहकारिता विभाग दोषी अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कर्ज माफी योजना में ऐसे किसानों का ऋण भी माफ किया गया था जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे किसानों का ऋण माफ किया गया था जो इस लायक थे ही नहीं। हालांकि वसुंधरा राज में हुए इन घोटालों के बाद अब गहलोत सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम से किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपेक्स बैंक के MD इंदर सिंह का कहना है कि उस वक्त घोटाले में बैंक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई थी, जिसके बाद से ही लगातार विभाग कार्रवाई में जुटा हुआ है और लगातार दोषी अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट में 50,000 किसानों ने आवेदन किया था, लेकिन एक भी अपात्र या फर्जी किसानों को ऋण नहीं बटा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अपात्र किसानों के आवेदन से 50,000 पात्र किसानों को योजना का लाभ ही नहीं मिल पाया। अब गहलोत सरकार में कर्ज माफी योजना में बायोमेट्रिक सिस्टम से ये पूरी उम्मीद है कि एक भी अपात्र किसान के आवेदन पास नहीं होंगे और पात्र किसानों को उनका हक मिलेगा। क्या आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक मुनाफा नहीं दे रहा? क्या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा? तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वो भी बेहद किफायती दामों पर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।